अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी व्हेन यू ईट अ लॉट ऑफ मीट। बहुत ज़्यादा गोश्त खाना आपकी सेहत को किस तरह से मुतासर कर सकता है, इस वीडियो में उसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ोहा सोहेल, आई वर्किंग एज अ सीनियर लेक्चरर आर्टिलरी मेडिकल कॉलेज एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन एट मरहम। आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ज़्यादा गोश्त खाना आपकी सेहत के लिए किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है। बहुत से बच्चे, बहुत से एडल्ट सिर्फ अपने आप को सब्जियों, दालों और फलों तक लिमिट कर लेते हैं कि ये चीज़ें हम लोगों ने नहीं खानी, हम लोग सिर्फ गोश्त खाएंगे या गोश्त से बनी हुई अशिया खाएंगे और बाकी चीज़ें वो नहीं खाते। बहुत ज़्यादा गोश्त खाना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन बेस्ड चीज़ें खाते हैं जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा चिकन, मछली, मटन अवेलेबल है, बीफ अवेलेबल है, या बहुत ज़्यादा दालों का इस्तेमाल भी आपकी सेहत के लिए इस तरह से नुकसानदेह कि आपकी बॉडी की पीएच को ये एसिडिक कर देते हैं। आपका ब्लड जब एसिडिक पीएच के ऊपर चला जाता है तो ये ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, आपकी हड्डियाँ खोखली होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड अपनी पीएच को नॉर्मल करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम लेता है और अपनी पीएच को नॉर्मलाइज करता है। जब हड्डियों से कैल्शियम आपके ब्लड में आती है, हड्डियाँ कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का मसला, रिकेट्स का मसला लोगों में नज़र आता है। तो सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट जो हाई प्रोटीन डाइट का हमें नज़र आता है वो ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि बोन हेल्थ की जो डिफिशेंसीज़ हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। इसके साथ साथ जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन बेस्ड चीज़ें खाते हैं, आपके गुर्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड भर जाता है, क्योंकि प्रोटीन हमारा गुर्दे जो है उसको फ़िल्टर आउट करते हैं। जब गुर्दों पर बहुत ज़्यादा बोझ भर जाता है तो बहुत से लोगों में ये होता है कि उनके गुर्दे ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते और जो चीज़ें बॉडी से बाहर निकालने वाली होती हैं, जिसको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, वो बॉडी के अंदर जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों में यूरिक एसिड की शिकायत, यूरिया भर जाने की शिकायत बढ़ती हुई नज़र आती है। इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से लोगों को घेंटिए का मसला शुरू हो जाता है, उनके जॉइंट्स में, उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, जिसको हम गाउट भी कहते हैं। ये मसला कब होता है? जब आपके किडनीज जो हैं वो ठीक तरीके से वेस्ट मटेरियल्स को फ़िल्टर आउट नहीं कर पाती और उससे क्रिस्टल्स आपके जोड़ों के अंदर जमने शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट हाई प्रोटीन डाइट का है वो हमारे गुर्दों की हेल्थ का ख़राब हो जाना है। अगर आप रिकमेंडेड डोजेज से ज़्यादा प्रोटीन बेस्ड चीज़ें लेंगे तो आपकी किडनी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। इसके अलावा बहुत से लोग जब प्रोटीन डाइट लेते हैं तो पाकिस्तान के अंदर रुझान सिर्फ मटन या बीफ की तरफ ही है, हम लोग छोटा या बड़ा गोश्त ही प्रेफर करते हैं, मछली या चिकन की तरफ लोग इतना नहीं जा रहे होते। मटन और बीफ के अंदर हमारे पास चिकनाई यानी कि फ़ैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर इसी कंजम्पशन हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये हमारे दिल की सेहत के लिए, हमारी खून की जो शरियाने हैं जिनको ब्लड वेसल्स कहते हैं, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। बहुत से लोगों की हाई प्रोटीन डाइट मटन और बीफ खाने की वजह से, जिसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा है, ये शरियाने ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट अटैक का मसला, ब्लड प्रेशर में ज़्यादती का मसला इन लोगों को नज़र आता है। सो थर्ड जो नेगेटिव इम्पैक्ट इन चीज़ों का हमारे पास है हाई प्रोटीन डाइट का, उसमें हमारे पास CVD यानी कि दिल से रिलेटेड मराइज जो है वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। सो कोशिश करें कि अपने डेली रूटीन में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़्यादती ना करें। बेशक प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी बॉडी का, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई डोजेज में इसको खाना भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। सो रिकमेंडेड डोजेज के अकॉर्डिंग खाएं। अगर मैं बात करूँ तो एक एडल्ट जो है हमारे पास वो 3 ounce मीट ले सकता है एक दिन में। 3 ounce मीट आपके हथेली के साइज़ इतना पोर्शन होता है, इससे ज़्यादा लेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह। ग्रोइंग जो बच्चे हमारे पास जो छोटी उम्र से बड़ी उम्र की तरफ आ रहे होते हैं, उनकी मुख्तलिफ रिकमेंडेड डोजेज हैं उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग। सो वो अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आएँ और हाई डोजेज की तरफ ना जाएं, ताकि उनकी सेहत के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ सके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाके हमसे अपनी क्वेरी के बारे में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।